नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये आफ्टरनून अपडेट आप कह सकते हैं, 12:30 लगभग बजने वाले हैं, ठीक है। और ये जो चैनल हम स्टडी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, यही मैंने आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। एंड डेली अगर मैं कैंडल स्टिक लगाता हूँ, डेली कैंडल स्टिक अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो मेरी सलाह आपको एक ही रहेगी, आपको अच्छे अच्छे फॉल मिलेंगे, ठीक है। शॉर्ट में आपको कब रहना है, जैसे अभी टॉप से आपको लगभग 100-125 पॉइंट मिले, नीचे का जो लो उसने लगाया 693 का लगाया, अगर कैंडल फॉर्मेशन रेड रहती है, ठीक है, तो आपको सेल साइड ही रहना है। कम से कम 250-300 पॉइंट आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएंगे। अगर ये कैंडल फॉर्मेशन ग्रीन रहती है तो आप शॉर्ट मत करिए, पर बाय नहीं करना है, ठीक है। बाय नहीं करना है, यहाँ पे बाय नहीं बनता, ठीक है। अब हो सकता है ये कल गिरे, हो सकता है परसों गिरे, हो सकता है एक्सपायरी कंप्लीट करके फ्राइडे को गिरे। अब बाय नहीं करना, अब नहीं करना। जितना ये बाय दिख रहा था मुझे, बोला मैंने, अब मुझे बाय नहीं दिखता, मुझे शॉर्ट ही दिखता है। और अच्छा खासा 250-300 पॉइंट का करेक्शन मिलना चाहिए, बट शॉर्ट में कब रहना है, जो डेली कैंडल स्टिक पैटर्न होगी वो रेड में बनी रहती है तो आपको शॉर्ट में रहना है, ठीक है। मतलब कि जो उसका ओपनिंग का लेवल होगा, जो यहाँ पे लिखा आएगा यहाँ पे, ठीक है, ओपनिंग का लेवल, तो ही उसको शॉर्ट करना है। जैसे आज 796 है, तो 796 के नीचे रहे आप, शॉर्ट में रहिए, आपको 250-300 पॉइंट की गिरावट मिल जाएगी। बट ये कैंडल फॉर्मेशन अगर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है तो नहीं करना है, नीचे 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, ठीक है। जैसे आज 100 पॉइंट मिले, हो सकता है अब फिर से गिर जाए, ठीक है, तो 796 ओपनिंग प्राइस। अब कल मार्केट जब खुलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो ये जो कैंडल, ये जो चार्ट है, ठीक है, बिल्कुल टॉप पे इसने, अब कल ये लेवल थोड़ा ऊपर आ जाता है कल के दिन, कल तारीख कितनी होने वाली है, 19 होने वाली है, 19 जुलाई में ये लेवल निकल के आ जाता है आपका 850-860 के करीब, तो कल फिर वहाँ तक टॉप बना सकता है। आज जो इसने टॉप बनाया, डॉट इसने वहीं से रिवर्सल लिया है, ठीक है, हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो ये आप देखिए, ठीक है, यहाँ से वहां से नीचे की तरफ आया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, यही स्ट्रेटजी मैं फॉलो करने वाला हूँ। अगर मुझे जब तक 250-300 पॉइंट का करेक्शन नहीं मिल जाता, डेली मुझे जब भी रेड कैंडल मिलेगी मैं शॉर्ट का ही ट्राई करूंगा, मतलब उसका जो ओपनिंग लेवल, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली वही मूवमेंट बनाया जो हम एनालाइज कर रहे थे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स ने पैटर्न पूरा किया है। और इस ये अब जब 45,300 के नीचे अगर क्लोज कर देता है तो फिर ये खराब है, फिर इसका जो टारगेट है वो ये है, ये जो चैनल है ना, जो जो इसका इसने ब्रेकआउट दिया था, ये इसको छूने के लिए आएगा, तो लेवल नोट करके रखेगा 45,300, इसके नीचे ख़राब हो जाएगा। अदरवाइज ऊपर से आप टॉप से यहाँ से 845-800 के आसपास शॉर्ट करिए, आपका टारगेट नीचे की तरफ 45,500-45,400 प्रॉफिट बुक, ठीक है। खराब ये तभी होगा जो इसने अब लो बनाया है ना, आज का जो लो बनाया, अगर ये उस देखिए डॉट 45,300 का ही लो है, 29 है, 45,29, ये सपोर्ट का काम है, क्योंकि यही रेंज के ऊपर क्लोज करने से हमने BTST लेने का सोचा था कल, अगर आपने टेलीग्राम पर पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है, थैंक यू।